दोस्तों नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार। तो इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि एलाइस ब्लू ब्रोकिंग फॉर्म के एंट मोबी 2.0 मोबाइल एप्लीकेशन से कैसे आप नया पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं, कैसे पासवर्ड को फॉरगेट कर सकते हैं, कैसे आप उसको ब्लॉक हो जाए तो अनब्लॉक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जाना है प्ले स्टोर पर, वहाँ पर डालना है एंट मोबी 2.0 और इसके बाद उसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को आपको मिलेगा, तो फर्स्ट टाइम अगर आप इस पर लॉगिन कर रहे हैं, आपने डीमैट ओपन करवाया है, तो आपके मैसेज बॉक्स में और आपके मेल आईडी पे आपको एक आईडी और पासवर्ड आया होगा, तो आप चेक कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह का आपको आईडी एंड पासवर्ड आपके इसमें आया होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप इसको कहीं नोट कर लेंगे और इसके बाद क्या करेंगे, इसको लॉगिन करेंगे। तो अभी मैं इसके अंदर पासवर्ड डालूंगा, तो आप यहां पे देख सकते हैं। सबसे पहले आप अपना लॉगिन आईडी डालेंगे, लॉगिन आईडी मैं डाल रहा हूं यहां पे। इसके बाद आपको लॉगिन में क्लिक करना है। जैसे लॉगिन में क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे इंटर पासवर्ड मांगेगा। तो पासवर्ड आपको यहाँ पे दो पासवर्ड दिए हुए गए हैं, एक है आपका योर पासवर्ड इस और योर ट्रांजैक्शन पासवर्ड। तो आपको योर ट्रांजैक्शन पासवर्ड वाला पासवर्ड नहीं डालना है, आपको सिर्फ आपको योर पासवर्ड डालना है। जैसे ही पासवर्ड डाल दें आप, इसके बाद आप लॉगिन में क्लिक करें। लॉगिन में क्लिक करने के बाद आपका ईयर ऑफ बर्थ मांगेगा। इसके बाद आपको रिसेट टू एफ ए में क्लिक करना है, ठीक है। तो आपका हो गया। अब दोबारा से आपको क्या करना है, लॉगिन आईडी डालनी है अपनी। आईडी डालने के बाद आपको लॉगिन में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको पासवर्ड डालना है। इसके बाद लॉगिन में आपको क्लिक कर देना है। लॉगिन में क्लिक करने के बाद फिर से आपका ईयर ऑफ बर्थ मांगेगा। जैसे ही आप ईयर ऑफ बर्थ डालेंगे, इसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो आपके पास जो पासवर्ड आया है, करंट पासवर्ड, वो पासवर्ड डालना है। इसके बाद न्यू पासवर्ड, और जो न्यू पासवर्ड डाला है आपने, वही आपको कन्फर्म पासवर्ड में डालना है। आप देख सकते हैं मैंने अपने अकॉर्डिंग अपना पासवर्ड बना लिया है। इसके बाद रीसेट पासवर्ड में क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे बताएगा पासवर्ड रीसेट, पासवर्ड हैज़ बीन रीसेट सक्सेसफुली, प्लीज़ लॉग इन अगेन। ओके, अब फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, जो पासवर्ड आपने डाला है वो पासवर्ड आपको डालना पड़ेगा। पहले आप आईडी डालेंगे, लॉग इन में क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपका जो भी पासवर्ड आपने बनाया है वो पासवर्ड आपको इंटर करना है। इसके बाद लॉग इन में क्लिक करना है, आपको ईयर ऑफ बर्थ डालना है, और ये आपको अब यहाँ पे आपको एक एम पिन सेलेक्ट करना है। एम पिन इज़ लाइक जैसे आपका एटीएम पिन की तरह ही 6 अंक का आपको एम पिन बनाना है। जैसे मैं अभी एम पिन बना रहा हूँ 1 2 3 4 5 6। ओके, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है। एम पिन क्रिएट सक्सेसफुली हो चुका है यहाँ पे। अब ये हमारा पूरा डैशबोर्ड ओपन हो गया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इजीली, ठीक है। लेट सपोज़ आपका अकाउंट ब्लॉक हो गया है, तो आप उसको अनब्लॉक कैसे करेंगे, और अगर आपको पासवर्ड फॉरगेट करना है तो वो कैसे करेंगे, मैं आपको ये बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि ब्लॉक अकाउंट को अनब्लॉक कैसे करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको अनब्लॉक अकाउंट का ऑप्शन दिख रहा है, वहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको अपना यूज़र आईडी डालना है, और यहाँ पे आपको अपना पैन नंबर डालना है। इसके बाद अनब्लॉक यूज़र में क्लिक करेंगे, तो आपका जो भी अकाउंट ब्लॉक हुआ है वो अनब्लॉक हो जाएगा। इसी तरह से आपको अगर अपना एम पिन फॉरगेट करना है, तो सबसे पहले क्या करें आप, आपको सिंपल सा फॉरगेट एम पिन में आपको क्लिक करना है। फॉरगेट एम पिन में क्लिक करेंगे तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख गया है, आपको इंटर पासवर्ड डालना है या फिर फॉरगेट पासवर्ड करना है। तो आप क्या करेंगे, फॉरगेट अगर पासवर्ड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे फॉरगेट में क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको अपना यूज़र आईडी डालना है, यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी डालना है, और इसके बाद यहाँ पे पैन नंबर डाल के आपको रिसेट में क्लिक करना है। जैसे ही आप रिसेट में क्लिक करेंगे, तो आपके फ़ोन पे और आपके मोबाइल नंबर पे और ईमेल आईडी पे भी आपको आपका पासवर्ड रिसीव हो जाएगा। इसके बाद आप उसको नया पासवर्ड अपना जनरेट कर सकते हैं इजीली।
इसी तरह अगर आपको अपना पासवर्ड चेंज करना है, चाहे वो एम पिन हो या फिर पासवर्ड हो, तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना एप्लीकेशन ओपन करना है। इसके बाद आपको सबसे नीचे सेटिंग में क्लिक करना है। सेटिंग में क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे चेंज पासवर्ड का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ओल्ड पासवर्ड, न्यू पासवर्ड और इसके बाद करंट पासवर्ड डाल के चेंज पासवर्ड में क्लिक कर देंगे आप। उसी तरह से आप चेंज एम पिन भी कर सकते हैं, आपको न्यू एम पिन डालना है और फिर कन्फर्म एम पिन डाल के चेंज कर लेना है, ठीक है। तो ये सारी सेटिंग्स आप अपने डीमैट अकाउंट में कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आपको ब्राइटनेस ज़्यादा अच्छी नहीं लगती तो आप क्या कर सकते हैं, इसको डार्क मोड में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो लाइट और डार्क दिख रहा है तो डार्क में क्लिक करना है। जैसे डार्क में क्लिक करेंगे तो पूरा आपका स्क्रीन ब्लैक एंड वाइट हो जाएगी, और लाइट में क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का दिखेगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें।